हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज है तो फ्रेंड्स हम लोग आए हैं खेत में। मैं हूँ और मेरा बेटा है। और जो है वैसे मुझे लेना था वो जलाने के लिए, क्या बोलते हैं, ये है खरपतवार है, ये देखो इसको मैं ले जाऊँगी, इससे आग जलाऊँगी, शाम को हाथ सेंकेंगे सब लोग। तो फ्रेंड्स जा रही हूँ घर पे, ले ली हूँ देखो। हाँ, फ्रेंड्स आज मैं चल रही हूँ खिचड़ी बनाने। देखिए मैंने मटर ले लिया है, टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट है, और मैंने आलू भी कट कर लिया है। इधर हरी धनिया ढेर सारा, हरी धनिया का पत्ता, और इधर है प्याज कट कर ली हूँ, इधर हरी मिर्च, और इधर जो है मेरा। तो फ्रेंड्स इधर मैं खिचड़ी बनाने चल रही हूँ, चावल धुल के रेडी है। इधर मेरा भगोना गरम हो रहा है, और जो है इधर भगोने में मैं तेल डाल रही हूँ गरम होने के लिए। गरम हो जाएगा तो इसमें मैं प्याज और हरी मिर्च का तड़का डालूँगी। फ्रेंड्स इसको जब तक चलाएंगे जब तक कि ब्राउन नहीं हो जाता है। और खिचड़ी हमें तो बहुत पसंद है फ्रेंड्स। ये देखो फ्रेंड्स ब्राउन होने वाला है ये, और इससे में ऐड करेंगे लहसुन मिर्च का पेस्ट। मैं भूल के आलू उठा ली थी। बहुत भुलक्कड़ हूँ फ्रेंड्स। अब इसको मैं चलाऊँगी जब तक कि इसका कच्चापन निकल नहीं जाता, तब तक मैं इसको चलाऊँगी। ये देखिए कुछ इस प्रकार से। अब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर और हल्का सा नमक, ताकि ये जल्दी से गल जाए। टमाटर और हल्का सा नमक डालने से जल्दी टमाटर गल जाते हैं फ्रेंड्स। इसको हम चला लेंगे जब तक कि गल नहीं जाता। ये देखो हमारा टमाटर गल गया है, हम इसको चला लेंगे हैं। और हम इसमें ऐड करेंगे आलू और मटर डाल देंगे, जो कि ठंड में तो बहुत आसानी से मिल जाता है मटर। और जो है खिचड़ी बहुत ही सुपाच्य भोजन होता है फ्रेंड्स, आप भी ज़रूर खाना अगर आपको ना पसंद हो तो खाना, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं ना एक साथ। अब इसमें हम हल्दी ऐड कर देंगे, इसको चला लेंगे, उसके बाद ढक देंगे कुछ देर के लिए। फ्रेंड्स ये देखो मैं ढक दी हूँ, फिर देख लेंगे, इसको चेक कर लेंगे। तो जो है अच्छे से मसाला पक गया है, और जो है चला भी ली हूँ अच्छे से। इसमें हम चावल ऐड कर देंगे और इसको भी चलाएंगे। मेरे यहाँ इसको फ्रेंड्स तहरी बोलते हैं, खिचड़ी बोलते हैं, तहरी, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। और जो है हम इसको चलाएंगे अच्छे से फ्रेंड्स। इसमें जो है कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। वैसे तो लोग कहते हैं ये मरीजों का खाना होता है, लेकिन सच में ये बहुत फ़ायदेमंद होता है खिचड़ी। इसमें जो है सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं आसानी से। ये देखो फ्रेंड्स हम इसको चावल को अच्छे से चला ली हूँ इस प्रकार से। हम इसको ढक्कन लगा देंगे थोड़ी देर के लिए, फिर इसमें हम इसका 3 गुना पानी डालूंगी। इसमें मैं पूरा भगोना भर के बनाऊंगी, 6 लोगों के लिए बना रही हूँ फ्रेंड्स। और क्योंकि मेरी दीदी आई हैं, उनका एक बेटा भी आया है, तो अब मैं इसमें पानी ऐड कर देती हूँ। इसी कटोरे से मैं 3 कटोरा पानी डालूंगी। ये देखो मैं ऐड कर रही हूँ, डाल रही हूँ पानी। अब इसमें हम नमक ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार। ये देखो फिर हम इसको ढक्कन लगा देंगे नमक डाल के, एक बार चेक कर लेंगे बीच में हुआ है कि नहीं, कैसा है कंडीशन इसका। ये देखिए चला लेते हैं फ्रेंड्स। फ़ोन हिल रहा है जो है, क्योंकि मुझे दोनों करना पड़ रहा है, तो अभी नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा। तो फ्रेंड्स फाइनली हो गया है मेरा खिचड़ी बनके, तहरी रेडी हो गया है। ये देखिए बहुत ही टेस्टी बना है। देखिए हम इसको प्लेट में निकाल लिए हैं फ्रेंड्स।